सुप्रभात सभी को, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का प्रथम पाठ, जिसका नाम है चत्वारी धामानी, अर्थात चार धाम। यहाँ पर शिक्षिका और छात्र आपस में बात करते हैं और बताती हैं शिक्षिका कि चार धाम कहाँ कहाँ पर हैं और इसे किसने स्थापित किया है, उसके बारे में विस्तृत रूप से यहाँ पर जानकारी देती हैं शिक्षिका बच्चों को। तो यहाँ पर शिक्षिका कहती हैं, भारती भवती जानाति किम, कहा अयम महापुरुषा। भारती, क्या आप जानती हो कि हमारे भारत में कौन कौन महापुरुष हैं? भारती कहती है, आर्य अयम खलु जगद्गुरु शंकराचार्यः। हाँ, मैं जानती हूँ, हमारे जो महापुरुष हैं उनमें सर्वप्रथम नाम आता है जगद्गुरु शंकराचार्य का। महेश कहता है, आम अहमपि जानामि। हाँ, मैं जानता हूँ, एते किल तश्चत्वारा शिष्या, और इनके चार शिष्य हैं। यहाँ पर देवेश पूछ रहा है, शंकराचार्य से प्रथम शिष्य से नाम सुरेश्वराचार्य इति। तो यहाँ पर देवेश कहता है शिक्षिका से कि शंकराचार्य के प्रथम शिष्य का नाम जो है वो सुरेश्वराचार्य है। शिक्षिका पूछती हैं, देवेश अन्येषां त्रयाणां शिष्याणां नामानि कानि। शिक्षिका देवेश से पूछती हैं कि इनके तीनों शिष्यों का नाम क्या है। देवेश कहता है, अहम न जानामि, मैं नहीं जानता। शारदा कहती है, द्वितीय शिष्या हस्तमालकः, वो कहती है कि दूसरे शिष्य का नाम हस्तमालक है, और तृतीय शिष्या त्रोटकाचार्या, तीसरे शिष्य का नाम त्रोटकाचार्य है, चतुर्थ शिष्या और उनके चौथे शिष्य का नाम पद्मपादः, पद्मपाद है। शिक्षिका यहाँ पे पूछती हैं, साधु अपि जानन्ति शंकर मठानी, क्या आप सभी जानते हैं कि इन मठों की स्थापना किसने की और क्यों की? सर्वे, सभी कहते हैं ना जानामि, अर्थात हम नहीं जानते। शिक्षिका कहती हैं, शंकराचार्येण चतुर्षु स्थानेषु। शिक्षिका यहाँ पे बताती हैं कि शंकराचार्य ने चार स्थानों पर और चार दिशाओं में अलग अलग मठों की स्थापना की। चत्वारी मठानी स्थापितानि, और इन मठों की स्थापना की और इनका इसके पीछे उद्देश्य क्या था, ऐसा शिक्षिका पूछती हैं। तानि चत्वारी पवित्र धामानि इति प्रसिद्धानि, और ये चार मठ आगे चल के चार प्रसिद्ध धाम के रूप में जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हुए। महेश पूछता है, आर्य उत्तर दिशि बद्रीनाथा, वो कहता है कि उत्तर दिशा में बद्रीनाथ और दक्षिण दिशा में रामेश्वर, पश्चिम दिशा में द्वारिका, और पूर्व दिशि जगन्नाथपुरी, और पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी इति नाम के ये चार धाम हैं। किल चत्वारी धामानी, ये चार धाम के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिक्षिका पूछती हैं, सत्यम, शिक्षिका यहाँ कहती हैं, हाँ तुमने सही कहा, किंतु धर्म प्राचार्य, परंतु धर्म के प्रचार के लिए शंकराचार्येण स्थापितानि, शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठानी मठ जो हैं अपि चत्वारी धामानि इति प्रसिद्धानि, ये चार धाम के नाम से प्रसिद्ध हुए, चार मठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। किसके लिए? वो कहती धर्म की स्थापना के लिए और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि अंग्रेजों के बाद हमारा जो सनातन धर्म था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था, इसलिए शंकराचार्य जी ने चार मठों की स्थापना की, क्योंकि धर्म का सुचारू रूप से प्रचार प्रसार हो सके। फिर वो आगे बताती हैं, यहाँ पे शिक्षिका कहती हैं, तानी धामानी कानी, ये जो धाम हैं वो कौन कौन से हैं। अब हमने मठ की बारे में जानकारी ले ली, कौन कौन से मठ हैं, चार दिशाओं में हैं। अब हम उन मठ का विस्तृत रूप से भी आकलन करेंगे। शिक्षिका यहाँ पे कहती हैं, श्रृंगेरी मठम, अर्थात श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठम अर्थात शारदा मठ, ज्योतिर्मठम और ज्योतिर्मठ। देवेश यहाँ पे पूछता है, कश्या कश्या दिशि संति, ये सभी मठ कौन कौन सी दिशाओं में स्थित हैं। यहाँ पे शिक्षिका कहती हैं, पश्यन्तु इदं कोष्ठकं स्पष्टतम भवति। तो यहाँ पे शिक्षिका एक कोष्ठक के माध्यम से बताती हैं
जैसा कि ये बुक में भी दिया हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे शिक्षिका बताती हैं दक्षिण दिशे श्रृंगेरी मठम, दक्षिण दिशा में कौन सा मठ है, श्रृंगेरी मठ है, और पूर्व दिशा में है गोवर्धन मठ, पश्चिम दिशा में है शारदा मठ, और उत्तर दिशा में है ज्योतिर्मठ। अब श्रृंगेरी मठम को हम श्रृंगेरी के रूप में भी जानते हैं, और पूर्व दिशा में जो गोवर्धन मठ है वह जगन्नाथपुरी धाम के नाम से भी हम जानते हैं, पश्चिम दिशा में जो शारदा मठ है उसे हम द्वारकापुरी के नाम से जानते हैं, और उत्तर दिशा में जो ज्योतिर्मठ है उसे हम बद्रीनाथ धाम के रूप में भी जानते हैं। अब इनके रूप में उन्होंने बताया कि ये कौन कौन से राज्य में स्थित हैं, तो श्रृंगेरी मठ जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है, और पूर्व दिशा में जो गोवर्धन मठ है जिसे हम जगन्नाथपुरी के नाम से जानते हैं वह उड़ीसा राज्य में स्थित है, पश्चिम दिशा में जो शारदा मठ नाम का मठ है जो द्वारिका के नाम से हम जानते हैं वह गुजरात राज्य में स्थित है, और उत्तर दिशा में जो ज्योतिर्मठ है जिसे हम बद्रीनाथ के रूप में आज जानते हैं, चार धाम में जो हमारे सम्मिलित है वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहाँ पर शिक्षिका कहती हैं कि धर्म एवं भारतस्य एकताया मूलाधारा, धर्म भारत की एकता का मूल आधार है, धर्मो रक्षति रक्षिता, क्योंकि रक्षित धर्म ही रक्षा कर सकता है, अतः धर्म रक्षणेन एव भारतम संरक्षितम भवति, जब तक हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे हमारा देश संरक्षित और सुरक्षित नहीं रहेगा। धर्म रक्षणात् वेदांत तत्वानाम प्राचारार्थम एतानि मठानि स्थापितानि, धर्म की रक्षा करने के लिए और धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इन मठों की स्थापना की गई थी। मठानाम स्थापकम जगद्गुरु आदिशंकरम स्मरामः, इसलिए मठों की स्थापना का श्रेय जो जाता है वो आदिगुरु शंकराचार्य जी को जाता है, इसलिए हम उन्हें आज याद करते हैं। तो आज कक्षा 7 का ये प्रथम पाठ था जिसके बारे में आज हमने पढ़ा, चार धाम कौन कौन से हैं, कौन से मठ स्थापित हुए, किस दिशाओं में हैं, और कौन कौन से राज्य में स्थित हैं। आशा करता हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।